पुप्फवग्गौ की 8वीं गाथा है। यथापि रुचिरम पुप्फम वणवंतम अगंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफला होति अकुब्बतो। यथापि जैसे रुचिरम पुप्फम, रुचिरम प्रीकर पुष्प, वणवंतम सुंदर रंग वाला है किंतु अगंधकम गंध रहित है तो वह बेकार है। रंग सुंदर है, देखने में सुंदर है, कहते हैं ना कागज का फूल, लेकिन सुगंध नहीं है, बेकार है। एवं वैसे सुभाषिता वाचा, सुव्यवस्थित कही हुई वाणी, अकुब्बतो अकुर्वता आचरण किए बिना अफला होती, निष्फल होती है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई प्रीकर सुंदर रंगों वाला फूल गंध रहित होने से निष्फल है, वैसे आचरण न करने से सुंदर वाणी निरर्थक है। अब कोई गुणग्राही हो तो आचरणहीन वक्ता से भी वह गुण ग्रहण कर लेता है, उनके विचारों से गुण ग्रहण कर लेता है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ तो साधक स्वयं को सोचे, अपने पर चिंतन करें कि मैं यह बड़ा अच्छा भाषण कर लूँ यदि, और निचोड़ कर ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य की व्याख्या करूँ, परंतु उसके अनुसार अपने जीवन का आचरण न करूँ, तो मेरे कथन का क्या तात्पर्य है? ये स्वयं को सोचना है। तो इस प्रकार वो कैसा वचन होगा, केवल वक्तव्य दे वैसा जीवन न हो, ऐसा वचन गंध रहित पुष्प के समान ही है। इसलिए भाषण चाहे कम हो न हो तो भी चलेगा, न जानता हो परंतु पवित्र रहनी में चलता है तो उसका जीवन, वो जीवन ही सुंदर प्रवचन है, वो जीवन ही बोलेगा। इसलिए केवल वक्तव्य की बात नहीं है, बात यह है कि आचरण की। एक घटना है सिंगोन की, वहां एक संत हुए, नाम था जीवन। संत जीवन अपने जमाने के बड़े विद्वान प्रवक्ता थे, दूर दूर से लोग उन्हें बुलाने आते। एक दिन उनकी माँ का उनके पास पत्र आया। माँ ने पत्र में लिखा, मुझे नहीं लगता कि तुम धर्म के एक सच्चे उपासक और सच्चे अनुयायी हो, मुझे लगता है कि तुमने औरों के लिए अपने आप को शब्दों का चलता फिरता कोष बना लिया है। याद रखो, सूचनाओं और सिद्धांतों का यश और सम्मान का कोई अंत नहीं है। क्या लिखती है? याद रखो, सूचनाओं और सिद्धांतों का यश और सम्मान का कोई अंत नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम यह भाषणबाजी का व्यापार बंद कर लो। जो भाषणबाजी का व्यापार कर रहे उसको बंद करो। तुम जाओ किसी पर्वत की तलहटी में, किसी छोटे से मंदिर में अपने आप को स्थापित कर लो। तुम अपने समय को ध्यान के लिए समर्पित करो और वास्तविक सत्य को उपलब्ध करो। माँ के जो शब्द थे वे सीधे हृदय में उतर आए।
कई बार पढ़ा इस उदाहरण को, जब जब पढ़ा तो लगा जैसे हम लोग भूसा कूट रहे हैं, जहाँ से कुछ मिलना नहीं है। और कई बार उन लोगों के बीच हम उपदेश करते हैं जहाँ कहा जा सकता है ना, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए, वहाँ कुछ भी ग्रहण करके कुछ परिवर्तन करने की संभावना नहीं है, बोले चले जा रहा है। अब मान क्या बैठे हैं, हम बहुत अच्छी बातें कह डाले। गुरुदेव जी कभी कभी कहा करते थे, ये भ्रम में मत रहो कि यदि मैं वक्तव्य दूंगा तो सब काक से हंस हो जाएंगे, तुम बन जाओ हंस खुद। एक स्वामी जी, स्वामी शरणानंद वृंदावन के प्रज्ञा चक्षु थे, और बहुत पुराने नहीं, मुझे शायद ये जानकारी के अनुसार कहूँ कि गुरुदेव जी से उनकी मुलाकात हुई थी। कई पुस्तकें हैं उनकी, उन्होंने एक जगह लिखा, सबसे बड़ा उपदेशक कौन है जो जीवन से उपदेश करता है, वह सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा सुधारवादी है, और सबसे घटिया कौन है जो पर चर्चा करके उपदेश करता है, कहीं व्यक्तियों की चर्चा तो कहीं परिस्थितियों की चर्चा। इसी बात को तथागत बुद्ध पुष्प का उदाहरण देकर कहते हैं कि यथापि रुचिरम पुष्पम वणवंतम अगंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। जैसे कोई प्रीकर सुंदर रंगों वाला फूल गंध रहित होने से निष्फल है, वैसे आचरण न करने से एवं सुभाषिता वाचा अफला होती निरर्थक अकुब्बतो, आचरण न करने से व्यर्थ ही है। जिनको सुना रहे हैं न करें, अपने को करना है। एक जैनी संत ने लिखा, जब किसी को उपदेश करने जाते हो तो थोड़ा ठहर के सोचो, जो मैं उपदेश करने जा रहा हूँ उसके कितने अंश अपने में हैं, वो कितने अंश अपने में हैं। ये जिस दिन हम देखने लग जाएंगे तो शायद बोलना बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगली गाथा है, यथापि रुचिरम पुष्पम वणवंतम सगंधकम। अब उलट कर कह रहे हैं उसी को, यथापि रुचिरम पुष्पम वणवंतम सगंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफला होती कुब्बतो। क्षमा करें, यहाँ है एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो, यथापि जैसे रुचिरम पुष्पम प्रीकर पुष्प वणवंतम सगंधकम, वहां पर क्या थी अगंधकम, यहां पर है सगंधकम, रंग भी सुंदर है और गंधयुक्त भी है, सुगंधी भी है, एवं वैसे कुब्बतो, वहां पर बात थी अकुब्बतो, कुर्वता आचरण करने से सुभाषिता वाचा अच्छे ढंग से कही भी वाणी सफला होती सफल होती है। कुछ लोग बहुत सुंदर भाषण करते हैं किंतु आचरण से शून्य होते हैं, कुछ लोग आचरणशील होते हैं किंतु अच्छा भाषण नहीं कर पाते, कुछ लोगों का न आचरण सुंदर होता है न भाषण सुंदर होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आचरण भी सुंदर भाषण भी सुंदर, जिनके आचरण और भाषण दोनों उत्तम हैं। गुरुदेव जी लिखते हैं, सोने में सुगंध है, उनके द्वारा ही बहुतों का हित होता है, किंतु साधक को अच्छा प्रवक्ता होने की चिंता नहीं करना चाहिए, भाषण जैसा है वैसा है,
उसे उत्तम आचरण में चलने की सतत चिंता होनी चाहिए। पवित्र रहने में चलने से ही जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। साधु का काम है कुछ हित की बातें लोगों को कहे। कहीं भी जाएंगे तो सभी आशान्वित होते हैं, संत आए हैं, कुछ कल्याणकारी बातें हम सुनेंगे, सत्संग वार्ता होगी। बोलना पड़ता है, बोलना गलत भी नहीं है। यहाँ जो संदेश है वो क्या है कि अपने जीवन को भी संवारने में लगे, जो कहें उसको करने में लगे। बहुत सुंदर कहा गया है कि भले ही आप चारों वेदों को नहीं जानते हों, लेकिन यदि आपके विवेक, यदि आप विवेक, ईमान, जिम्मेदारी, निष्ठा और ईमानदारी का अर्थ जानते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। प्रूडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल, सार्थक। हम मीनिंगलेस हो रहे हो, निरर्थक जीवन। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में विवेक हो, जिम्मेदारी हो, निष्ठा हो, ईमानदारी हो, ये यदि जीवन, इसके बारे में हम जानते हैं और करते हैं तो क्या है, लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल, सार्थक है जीवन। न जाने बहुत सी बातें, क्या लगता है। देखिए, कल्याण के लिए बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, थोड़ा ही बहुत है। थोड़ा चाहिए, थोड़ी दूर हम देख सकें और चल सकें। किसी ने कहा कि हे गुरुदेव, चाह नहीं कि पूरा पथ पहचान सकूं, चाह नहीं कि पूरा पथ पहचान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। अगला कदम मैं पहचान लूं और चल पड़ूं। इसी क्रम में एक ने और कहा, कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है ऐ जिंदगी तुझसे। अपनी जिंदगी से क्या कह रहे हैं, कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो, बस, और नहीं चाहिए बहुत कुछ मुझे। इतनी सी बात हम जान गए और करने लग गए, क्या हुआ, उसको कहते हैं सफल। वैसे एवं सुभाषिता वाचा सफला होती, यथापि रुचिरं पुष्पं वणवंतं सगंधकं, जैसे प्रीकर तथा सुंदर रंगों वाला गंधयुक्त पुष्प सार्थक होता है। देखने में भी सुंदर है, सुगंध भी है, वैसे आचरण संयुक्त सुंदर भाषण सफल होता है। यथापि पुप्फरा सिम्हा, दसवीं गाथा है, यथापि पुप्फरा सिम्हा कैरा माला गुणे बहु, एवं जातेन मच्चेन कतब बम एवं जातेन मच्चेन कतब्बम कुशलम बहुम। यथापि जैसे पुप्फराशि मा, ये है इसका, जैसे पुष्पराशि से बहुत सी माला गुणे, सुंदर मालाएं कैरा बनाई जाती हैं, एवं वैसे जातेन जन्मे हुए मच्चेन मरतेन मरण धर्मा मनुष्य को बहुत से कुशलम अच्छे कार्य कर्तव्यम करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जैसे पुष्पराशि से बहुत सी सुंदर मालाएं बनाई जाती हैं, वैसे जन्मे हुए मनुष्य को
यहाँ पर है पहली बात है जातेन मनुष्य को, फिर आता है मच्छेन मरतेन मरण धर्म मनुष्य को, मरण धर्म है जन्मा है तो मरण धर्म भी है, एवं जातेन मच्छेन वैसे जन्मे हुए मनुष्य को कर्तव्यम कर्तव्यम करना चाहिए, कुशलम बहु अच्छे कार्य बहुत से अच्छे कार्य करना चाहिए। पुष्प राशि की बहुत सुंदर मालाएं बनाई जाती हैं, वैसे जन्मे हुए मनुष्य को बहुत अच्छे कार्य करना चाहिए। थोड़े समय के लिए शरीर मिला है, अच्छे कर्म कर लिए तो कल्याण होगा और बुरे कर्म किए तो अकल्याण होगा। क्या है अच्छा कर्म, क्या है अच्छा कर्म? अच्छे कर्म का मतलब बहुत दान दक्षिणा करना, बहुत बड़ा भवन बना लेना, बहुत लोगों की सेवा कर लेना। बहुत सरल ढंग से देखें तो अच्छे कर्म हमारा वही है जो कम से कम अपने लिए तो हितकारी हो और दूसरों के चेहरे में थोड़ा मुस्कान भी आ जाए। अच्छा लगने लगे। गुरुदेव जी यहां पर उदाहरण दिए हैं कि वेदों में मनुष्य को बारंबार मर्त्य कहा गया है, क्योंकि वह यह मृण धर्म है। अन्य प्राणी भी मृण धर्म है, वे भी मरते हैं, परंतु उनके लिए प्रयोग नहीं है। मनुष्य को मृण धर्म करके कह के उपदेश कर रहे हैं कि जरा इस बात की याद रखो, तुम्हें शरीर शीघ्र छोड़ देना है। उसी लहजे में गाथाकार कहते हैं मर्चे बच्चे मरते मृण धर्म मनुष्य, अच्छे कर्म कर लो, जो कुछ है आपके पास उसी में से करो। जो है धन है ठीक है, धन का उपयोग करो, बुद्धि है उसका उपयोग करो, ज्ञान है ज्ञान दो, जो है शारीरिक शक्ति है करो अच्छे कर्म। इससे क्या होगा कि स्वयं को लाभ होगा, अच्छा लगेगा। एक धनी आदमी गरीबों में रोटी बंटवा रहा था, लंबी लाइन लगी थी। एक आदमी जब उसकी बारी आती तो पीछे वाले को अपनी जगह कर देता और अपना पीछे चला जाता। उसके पीछे जो व्यक्ति होता था उसको क्या करता था, आगे और अपना पीछे। लोग रोटी लेते जाते और वह व्यक्ति जो दूसरों को आगे कर रहा था, जब भी बारी आती पीछे वाले का हो गया करता, पीछे हो जाता और ऐसा करते करते सबसे पीछे हो गया। और सबसे पीछे हो गया पहुंचा तो उसको भी बची हुई रोटी मिल गई। रोटी बांटने वाला जो धनी आदमी था, रईस था, वो देख रहा था ये आदमी कब से खड़ा है लेकिन सबसे पीछे आ रहा है और आगे दूसरों को करके। उन्होंने कहा ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों कर रहे थे? उसने कहा जी मैं भी तो वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हैं। रईस ने कहा मेरे पास तो बहुत पैसे हैं और मैं तो रोटी लोगों को रोटी बंटवा रहा हूं, रोटी दे रहा हूं, तुम क्या दे रहे हो? उसने कहा जी आपके पास में पैसे थे इसलिए आप रोटी बंटवा रहे हैं और मेरे पास बारी थी मैंने बारी दी दूसरों को, अपनी बारी थी वो मैंने दूसरों को अपनी बारी दे दी। मतलब जो है यही है सेवा। अब ये न मान लें कि हम ये करें वो करें तभी होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं वैसे मनुष्य को बहुत अच्छे कर्म, अच्छे कर्म गुरुदेव जी कहा करते थे मन इंद्रियों को संयम कर लो। कई बार गुरुदेव जी से जब भ्रमण में होते थे और चलने का वक्त होता था कि या फिर जब जाते कहीं भी गुरुदेव जी कोई सेवा बताएं, कभी कभी फोन आता था कहीं से कोई सेवा हो तो बताएं,
गुरुदेव जी क्या कहते थे, अपना सुधार कर लो ये सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार कर लो ये सबसे बड़ी सेवा है। सचमुच जिसके लिए हमने जीवन जिया, जिसके लिए हम जीवन जी रहे हैं, जिसके लिए हमने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, उस काम को कर लेना सबसे अच्छा काम है। और यही जीवन फिर बोलेगा हमारा, यही जीवन बोलेगा। जैसे पुष्पों से सुंदर मालाएं बनाई जाती है पुष्प राशि से, वैसे अच्छे अच्छे कर्म करके जीवन को पवित्र करें। अब किसका मतलब नहीं कि हम केवल इंद्रियों से, वाणी से भी और मन से भी। मन से सबसे बड़ी बात है भाव की पवित्रता, भाव की पवित्रता। ये नहीं है तो आप जो दान भी दे रहे हैं ना, उसमें भी अहम हो सकता है। ये बहुत पुरानी कहानी, एक धनी आदमी था, बहुत धनी आदमी। उनकी माँ बुजुर्ग हो गई थी तो उनके शायद जन्मदिन रहा होगा या उनके नाम से कोई बड़ा कार्यक्रम करते रहे, तो एक पंडित जी को बुलाकर कथा करवाए। माता जी के को भी अच्छा लगे और लोगों को भी, तो एक चांदी की चौकी बनाए थे, उसमें वो पंडित जी को बैठाए थे। अब कथा पूरी हो गई, दक्षिणा की बात आई। उन्होंने कहा, पंडित जी आपको मैं ये जो चांदी है ना, चांदी की चौकी है, ये आपको मैं इस दक्षिणा स्वरूप में आपको ही समर्पित करता हूँ, दान देता हूँ। कर तो दिया, फिर क्या कहता है, पंडित जी आप बहुत दिन से कथा कह रहे हैं, क्या इतना बड़ा दानी कभी मिला है आपको, इतना बड़ा दानी मिला? पंडित जी को भी अहम जगा। उसने क्या किया, अपने जेब में से एक रुपये का सिक्का निकाला और उस चांदी के चौकी पर रखा और कहा, ये मैं आपको वापस करता हूँ सिक्के के सहित। और फिर क्या पूछता है उस धनी से, ये बताओ इतना बड़ा त्यागी कभी मिला है तुम्हें, इतना बड़ा त्यागी तुम्हें मिला है? मैं क्या कह रहा हूँ, भाव अच्छा नहीं होगा तुम्हारे सब कर्म व्यर्थ होंगे। अच्छे कर्म में भी अहम के अंकुर फूट पड़ते हैं, मैं करने वाला। अच्छा कर्म, क्या आप भीतर से शांत हो रहे हैं, दूसरों के लिए वह हितकर है, दूसरों को प्रसन्नता देने वाला है? ऐसा तो नहीं कि दूसरे परेशान हो रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं अच्छा किया, नहीं, दूसरे के दिल दुखा करके या अपना अहम पोषित करें हम, ये सही नहीं है। अच्छा कर्म ये है मन की पवित्रता विकसित हो और दूसरे के जीवन में भी सुकून महसूस हो। साहेब बंदगी।